आगे अनीता जी ने जो कुछ अनुभव किया वो बहुत हद तक उन अनुभवों से मिलता जुलता है जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान आत्मलोक में आत्माओं ने महसूस किए हैं। आगे अनीता जी बताती हैं कि उस लोक में समय कुछ अलग लग रहा था। वो सभी पलों को एक साथ महसूस कर सकती थी और अपने साथ घटी हर घटना के प्रति पूरी तरह से सचेत थी। यानी वो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो अभी समक्ष घट रही है। यानी वो अपने भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल सबको एक साथ महसूस कर पा रही थी। और ये अपने आप में बहुत छोटी बात है, इससे भी ज्यादा कि वो उन सभी बातों के लिए भी सजग थी जो उनके इस जीवन से नहीं, जो उनके पिछले जीवनों से जुड़ी हुई थी। उन्होंने एक दृश्य जो साफ साफ देखा कि अनूप, जो कि इस जन्म में उनका बड़ा भाई है, उनके पूर्व जन्म में भी उनका छोटा भाई था जिसका वो बहुत ख्याल रखा करती थी। वो सब कुछ देख पा रही थी। उनकी अंतरात्मा जानती थी कि ये जिस को वो देख रही है वो आत्मा उनके भाई अनूप की आत्मा है। अंतर सिर्फ इतना है कि इस जन्म में वो आयु में उनसे बड़े हैं, लेकिन जो पिछले जन्म में उन्होंने अनूप को अपने साथ देखा उसमें उन्होंने देखा कि वो एक बहुत ही अल्प विकसित से एक देहाती इलाके में रहती हैं। उनके माता पिता खेतों में काम करते हैं और वो अनूप, जो कि उस जन्म में उनका छोटा भाई था, उसकी देखभाल करती हैं। वो उस समय उन संवेदनाओं को, उन फीलिंग्स को महसूस कर पा रही थी जो एक भाई की देखरेख करने वाली, एक बड़ी बहन की जिम्मेवारी जैसी जो फीलिंग होती है, उन फीलिंग्स को वो महसूस कर पा रही थी। और ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई पिछले जन्म की बात है। भले ही वो दृश्य देखने में एक ऐतिहासिक सा दृश्य लग रहा था, पुराना सा दृश्य लग रहा था, लेकिन उस लोक में ऐसा लगता है जैसे कि घटना अभी घटित हो रही है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हम समय को जिस तरह यहाँ पे एक रेखा में अनुभव करते हैं, वहां ऐसा नहीं था। हमारा मन हर घटना को यहाँ पर एक सिलसिलेवार तरीके से पिरोता है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। लेकिन असल में जब हम शरीर के माध्यम से खुद को प्रकट नहीं कर रहे होते, हम शरीर के माध्यम से, इन पांचों इंद्रियों के माध्यम से फीलिंग्स को महसूस नहीं कर रहे होते, उस समय समय इस प्रकार की एक रेखा, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल की रेखा में नहीं चलता, बल्कि सब कुछ समक्ष उसी पल घटता हुआ महसूस होता है। फिर चाहे वो भूतकाल हो, वर्तमान काल हो, भविष्य काल हो, फिर चाहे वो पूर्व जन्म ही क्यों ना हो। आगे अनीता जी ने बताया कि हालांकि उस समय में, उस लोक में वो उन सभी घटनाओं को साफ साफ देख पा रही थी और उस समय में वो ये सब कुछ बहुत सामान्य अवस्था में देख रही थी, कोई संशय मन में उत्पन्न नहीं हो रहा था। लेकिन उन्हीं सब बातों को एक बार फिर से याद करके लिखते हुए कुछ भ्रम हो रहा है, क्योंकि इस भौतिक जगत में जब समय एक रेखा में नहीं चल रहा होता तब उसे याद करके बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा महसूस होता है जैसे कि ये जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं ये हमें सिर्फ इस लायक बनाती हैं, हमें सिर्फ इस योग्य बनाती हैं कि हम जो भी समय इस समय चल रहा है उस समय में केवल एक ही बिंदु पर, एक ही घटना पर, एक ही बिंदु पर अपने पूरे ध्यान को लगा सकें और इस प्रकार हम वर्तमान में बने रहते हैं। और जब हम इन्हीं घटनाओं को आपस में जोड़कर देखते हैं तो समय के एक रेखीय होने का भ्रम पैदा होता है कि वो भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है। ऐसा एक हमारे सामने समय इस प्रकार से स्पष्ट होता है। हमारी पांचों इंद्रियां, हमारी जो ये भौतिकता है, ये ही हमें इस प्रकार समय की सीमाओं में बांधती है। जब हम इस शरीर में होते हैं, इस भौतिक दुनिया में होते हैं, तब हमने समय का और स्थान का भी पूरा बोध नहीं रहता। वो इसलिए नहीं रहता क्योंकि हम अपने आप को
इस भौतिकता के साथ जोड़ लेते हैं, हम सिर्फ उस चीज को महसूस कर पाते हैं जिसे हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, चख रहे हैं या छू रहे हैं। यही कारण है कि जब आत्मा अपने आप को शरीर से बाहर महसूस करती है, तब वो अपने आप को, जब वो शरीर में नहीं है, तो वो समय और स्थान इन सीमाओं से भी परे हो गई है और वो अपने आप को अनेक स्थानों पर एक साथ देख पा रही है। और अनीता जी अपने शरीर के बिना समय और स्थान के सभी आयामों को एक साथ महसूस कर सकती थी। आगे अनीता जी कहती हैं कि उस विस्तृत लोक में मेरी सजगता, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उस अनुभव को किस प्रकार प्रकट कर पाऊँ। वो जो स्पष्टता थी वो सचमुच अद्भुत थी। उन्हें ये एहसास हुआ कि ये ब्रह्मांड वास्तव में अपना एक विशेष अर्थ रखता है। और अंततः वो स्थिति आ गई, अनीता जी साफ साफ ये समझ पाई कि उन्हें कैंसर क्यों हुआ। हालांकि उन क्षणों में वो इतनी एक विस्मय की सी स्थिति में थी, लेकिन जल्दी ही उन्होंने पूरी स्पष्टता के साथ इस बात को महसूस कर लिया कि आखिर ये कैंसर उन्हें हुआ ही क्यों था। अब उनकी समझ में ये तथ्य आ चुका था कि उन्होंने इस जीवन में प्रवेश क्यों किया था, ये स्थितियां उनके जीवन में क्यों आई थी, और अब वो अपने इस जीवन का सच्चे उद्देश्य पहचान पा रही थी। अपने जीवन का जो मीनिंग था, जो उद्देश्य लेकर वो इस धरती पर उन्होंने जन्म लिया था, वो उसको देख पा रही थी, जान पा रही थी, उसको पहचान चुकी थी। अब वो ये जानना चाहती थी कि ये अचानक से कैसे हुआ। वो सब कुछ समझने लगी, उन्हें अपने उद्देश्य का एहसास हो रहा है, सब कुछ समझ आ रहा है, क्यों, कैसे, किस कारण घटित हुआ। उन्हें ये जानकारी कौन दे रहा है? क्या ये जानकारी उन्हें ईश्वर दे रहे हैं, जीजस दे रहे हैं, बुद्ध दे रहे हैं, श्री कृष्णा दे रहे हैं? ये जानकारी उन्हें कौन दे रहा है? और तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि ईश्वर कोई जीव नहीं है, वो हमारे अस्तित्व की एक अवस्था है। और अब वो स्वयं को उसी अवस्था में महसूस कर रही हैं। यहाँ पे ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिन श्रोतागणों ने मेरी पुरानी आत्माओं की महायात्रा और यात्रा वाली वीडियो सुनी होंगी, उन्हें भी ये तथ्य अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा कि चाहे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान या निकट मृत्यु अनुभव के दौरान, किसी भी अनुभव ने, कभी भी किसी व्यक्ति ने मैंने साक्षात ईश्वर को देखा ऐसी स्थिति को बयां नहीं किया है। हमने एक महान आत्मा का अनुभव किया, फरिश्तों का अनुभव किया, अपने मार्गदर्शकों को हमने देखा, इस प्रकार की अनुभूतियाँ सभी की रही हैं। सभी ने एक बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही पॉजिटिव, कल्याणकारी ऊर्जा के रूप को महसूस किया, लेकिन उसे ईश्वर का नाम किसी ने भी नहीं दिया। यहाँ तक कि आप जीवात्मा जगत के नियम इस प्लेलिस्ट में भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी रतु और विस्पी की आत्माओं ने स्पष्ट ये बात कही कि हमने भी ईश्वर को नहीं देखा। हम जानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है, लेकिन हमने भी ईश्वर को नहीं देखा। जबकि रतु और विस्पी ने, जो कि छठे लोक में प्रवेश पाया था और बहुत जल्द, चूंकि वो इस महान ज्ञान को इस धरती लोक तक पहुँचाने में सक्षम रहे थे, अपनी माता के द्वारा उन्होंने बहुत आसानी से इस ज्ञान को हम तक पहुंचा पाए थे, वो इसलिए उन्होंने बहुत तेजी से उस आध्यात्मिक लोक में तरक्की करी थी और वो छठे लोक से सातवें लोक में पहुंच गए थे। लेकिन यहाँ पर रतु और विस्पी की आत्माओं ने भी ये स्पष्ट किया कि ईश्वर का अस्तित्व है, लेकिन उन्होंने भी ईश्वर को नहीं देखा। कुछ इसी प्रकार का अनुभव अनीता जी का है और इसी प्रकार के कुछ अनुभव पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी अनेकों व्यक्तियों के रहे हैं। सबने महान दिव्य सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति करी है, लेकिन ईश्वर को देखने का दावा किसी ने नहीं किया। ये भी संभव है कि इस पृथ्वी लोक में जो आत्माएं आती हैं वो इस दर्जे की आत्माएं हैं कि वो
डायरेक्ट ईश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकती, एक सकारात्मक ऊर्जा को फील कर सकती हैं, उस पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर भरता हुआ महसूस कर सकती हैं, लेकिन साक्षात ईश्वर को वो नहीं देख पाती। लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत सोच है कि जो आत्माएं फरिश्ता लोक तक पहुंचती हैं, यानी सातवें लोक से भी ऊंचे ऊपर के लोकों तक पहुंचती हैं, और जो आत्माएं मार्गदर्शक की श्रेणी में पहुंच जाती हैं या उससे भी ऊंचे ऊंची श्रेणी में पहुंच जाती हैं, पांचवें स्तर से ऊपर की आत्माएं हो जाती हैं, धरती पर जन्म लेना बंद कर देती हैं, उन आत्माओं का स्तर इतना ऊंचा अवश्य हो जाता होगा कि वो अपने इस प्रकार के अनुभवों में ईश्वर को देख पाते होंगे। और जिस प्रकार से अनीता जी ने समय का वर्णन किया, उन्होंने कहा कि वो अपने पूर्व जन्मों में भी कि जो एक झलक देख पाई, उसमें अपने जो इस जन्म में उनके बड़े भाई हैं उनकी छवि को देख पाई, लेकिन वो सब कुछ उन्होंने इस प्रकार से देखा जैसे अभी इसी क्षण वह घटना घटित हो रही है। ये भी सभी आत्माओं के अनुभव रहे हैं कि जब भी वो उन आकाशीय रिकॉर्ड में समय को देखते हैं, अपने पूर्व जन्मों को, इस जन्म की घटनाओं को या भविष्य की घटनाओं को देखते हैं, तब वो उसे एक एक रेखा में चलता हुआ नहीं देखते कि ये उनके इस जन्म की घटना है। वो उनके लिए यथार्थ होता है, इस हद तक यथार्थ होता है कि यदि वो चाहें तो उस घटना में स्वयं को शामिल भी कर सकते हैं, उन फीलिंग्स को भी अगर यदि वो चाहें तो महसूस कर सकते हैं जो उन्होंने उस घटना के घटने के दौरान महसूस की थी। जब आत्मा इस हद तक समय को और घटनाओं को देख सकती है, महसूस कर सकती है, तब उसके लिए बहुत आसान हो जाता है जो कुछ भी इस जीवन में घट रहा है उनके तारों को जोड़ना, उनके कारणों को समझना और उन्हें स्वीकार करना। यही कारण है कि चाहे इस प्रकार के अनुभव रहे हों मृत्यु के बाद वाले या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले, इन दोनों ही अनुभवों में कभी भी कोई भी व्यक्ति जब इन अनुभवों से गुजरता है तो जो पहले उसके क्वेश्चन होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वो क्वेश्चन कभी भी इन स्थितियों से गुजरने के बाद व्यक्ति नहीं करता है। यहाँ तक कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान या निकट मृत्यु अनुभव के दौरान कभी भी किसी आत्मा ने ये नहीं कहा कि परमात्मा मेरे साथ ऐसा क्यों। इन सवालों के खत्म होने की वजह यही है कि जब आत्मा इस भौतिक जीवन से बाहर निकल जाती है, इन पांच तत्वों के बने शरीर से बाहर निकल जाती है, और जब उसे अपने असली अस्तित्व का भान होता है, तब ये सवाल अपने आप खत्म हो जाते हैं और हमारे मार्गदर्शकों द्वारा वो ऊर्जा भी हमें भरी जाती है, उस ऊर्जा को भी हम तक पहुंचाया जाता है जिनमें हमें हमारे हर सवाल का उत्तर मिलता है। और अपने इस अनुभव के दौरान अनीता जी स्पष्ट रूप से ये बात भी समझ पाई कि उनके जीवन का उद्देश्य ही यह था कि वो इस अनुभव से इस प्रकार से गुजरें और हम तक इस ज्ञान को पहुंचाएं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आगे अनीता जी ने जो कुछ अनुभव किया वो बहुत हद तक उन अनुभवों से मिलता जुलता है जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान